यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हुई थी, वो मूवी का नाम है वेलकम। वेलकम आपने तो देखे रहेंगे। वेलकम में जो क्लाइमेक्स सीन जो दिखाया गया वो यहीं का है। ये लोनावला लेक जो है ये टाटा कंपनी का है। हाँ, और खोपोली में टाटा कंपनी का पावर प्लांट है। लायंस पॉइंट का नाम लायंस पॉइंट नहीं, ये सेल्फी पॉइंट होना चाहिए था। अब फोटोज ले सकते हो। उसी डैम के लिए इतना चलना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सांप आने का चांसेस है, लेकिन ऐसा कुछ है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, फजल अंसारी व्लॉग। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आज लोनावला आया हूँ, घूमने की चीज़ें हैं वो मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो जैसे कि अभी मैंने अपना ऑटो बुक किया हूँ, जो हमें पूरा जो है लोनावला में जितने भी जगह है वो बताएंगे, और मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करूँगा कि लोनावला में क्या क्या जगह आप घूम सकते हो। चलिए लेट्स गो। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैं अपने पहले लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। सो जो मेरा पहला लोकेशन है वो है, लोकेशन का नाम है बुआची मिसड़। बुआची मिसड़ मतलब यहाँ पे मिसल पाव बहुत फेमस है, लोनावला का मिसल पाव बहुत फेमस है, तो बहुत नाम भी सुना मैंने यहाँ का। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ और वहाँ पे जो बनाते हैं मिसल पाव उनसे ज़रा बात करता हूँ, क्या है उनके बारे में जानता हूँ, उनके नाम क्या चीज़ से नाम रखे उन्होंने, वही सब डिटेल में आपको मैं सब अंदर चल के बताऊँ। चलिए लेट्स गो। हेलो एवरीवन, तो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं बुआची मिसड़ के ओनर सुनीता मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार। आपने सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय दिए, उसके लिए धन्यवाद। और मुझे ये मतलब आपसे पूछना है कि आपके जो ये रेस्टोरेंट है मतलब कितना टाइम हो गया ओपन हो गया? हमारा दुकान तो खोला है कम से कम 40 साल, अभी फाइनल ये साल होएगा 40 साल पूरा। okay, होएगा okay, 40 साल हो गया। तो आपकी जो ये शॉप है उसका टाइमिंग मुझे बताएंगे? मेरा शॉप तो सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 7:30 बजे क्लोज होता है। 7:30 बजे क्लोज होता है। और आपकी जो शॉप की स्पेशलिटी मतलब आप बताएंगे, मिसल का में क्या क्या अवेलेबल है? स्पेशलिटी बताएंगे तो बोले तो चीज मिसल, बटर मिसल, पनीर मिसल, त्याच्यासोबत कांदा भजी सगळे असतात, आपली रेगुलर मिसल, मस्त एक नंबर। और इसका कस्टमर से रिस्पॉन्स मतलब आपको कस्टमर तो बोलते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे, उसका मतलब क्या है थोड़ा बताइए? कस्टमर तो बोल रहे कभी लोनावला आएंगे तो बुआ जी की मिसल जरूर खाओ। हाँ, क्योंकि मैं खुद आपका नाम सुना हूँ, लोनावला आया हो तो आपके पास जरूर आऊंगा। अभी तो आया हूँ, आगे भी अगर इन फ्यूचर में आता हूँ तो आपके पास जरूर आऊंगा लोनावला, और आप मिसल पाव जरूर खा के जाऊंगा। आप लोनावला आएंगे तो हमारा मिसल जरूर याद आएगा। हाँ, आप जरूर। तो बार बार बोलेगा चलो लोनावला जाएंगे, मिसल खाएंगे, एक नंबर। आपको दूसरी लोगों को भी बोलेंगे जाओ, इधर बहुत अच्छा मिलता है, एकदम साफ सुथरी चकाचक। तो आप मुझे बताएंगे आप ये क्या बना रहे अभी? ये तो मिसल, ये मर्ड का बनता है। ये मर्ड मोड अच्छा रहता है। ओके, मोड वाला एकदम ये रहता है, सॉफ्ट हो जाता है। हाँ, जो है वैसा रहेगा। ओके, और मिसल के बाजू में वो क्या है बताएंगे? कांदा भजी। कांदा भजी है। ओके, तो कांदा भजी मतलब क्या, ऐसा कोई टाइम रहता है कांदा भजी का कि दिन भर कांदा भजी मतलब ऐसा? ओके, सब वक्त आ गया है इस मिसल पाव को खाने का, मिसल पाव को टेस्ट करके आपसे मिलता हूँ। चाय और मिसल खाने के बाद चाय पीएंगे तो आपको पानी चाहता है। हाँ हाँ हाँ।
हेलो एवरीवन, तो अभी जस्ट मैंने बुआची मिसल जहाँ पे है मिसल पाव खाया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने यहाँ के ओनर से भी बात किया और उनके जो है बेटे उनसे भी बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा विजिट करूँ। ओके चलिए बाय। ओके बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो बुआचे मिसड़ खाने के बाद मैं अपने सेकेंड लोकेशन पे आया हूँ। सेकेंड लोकेशन का नाम है शूटिंग पॉइंट। शूटिंग पॉइंट कैसा है ना, यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हुई थी, वो मूवी का नाम है वेलकम। वेलकम आपने तो देखे रहेंगे। वेलकम में जो क्लाइमेक्स सीन जो दिखाया गया वो यहीं का है। हेलो एवरीवन, तो अभी आ गया अपने थर्ड लोकेशन पे लायंस पॉइंट। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो लायंस पॉइंट पे आया हूँ मैं। लायंस पॉइंट का नाम लायंस पॉइंट नहीं, ये सेल्फी पॉइंट होना चाहिए था। अब फोटोज़ ले सकते हो, तो इसका नाम लायंस पॉइंट नहीं सेल्फी पॉइंट होना चाहिए था। कोई मुझे दिख गया, वो मेरी तरफ देख रहा है। वो नीचे आया है, नीचे आ गए इस तरफ आ। और यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे मंकी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे लाइंस पॉइंट पे मुझे एक किससे मिलने मिला, देख सकते हो कौन है मेरे पीछे। ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं। कैसा है ना, यहाँ पे कैमल राइड भी है। ओके, अगर आप लायंस पॉइंट पे आते हो तो यहाँ पे कैमल राइड भी है। 150 रुपीज़ पर पर्सन है कैमल राइड। मैंने तो कैमल राइड किया नहीं हूँ, और अगर आप कभी आते हो तो आप एक बार कैमल राइड ज़रूर कीजिएगा। भैया एक केला दे दीजिए। कितने का दिए? 40 रुपये आधा डजन, ठीक है। सो ये जो केला ले रहा हूँ मैं, ये भाई लोगों के लिए ले रहा हूँ। ये जो यहाँ पे दिख रहे आपको, तो जैसे कि आपने देखा मैंने इन लोगों को अभी जस्ट बनाना दिया। उन लोगों ने अपने हाथ से, मतलब उनके हाथ से मेरे हाथ से लिए और ख़ुद खाए उन्होंने। खुशी डैम के लिए इतना चलना पड़ रहा है, कम से कम 10 मिनट लगेगा ऊपर चलने के लिए। ऑलमोस्ट 10 मिनट लग गया है जाने के लिए, लेकिन अभी भी चल ही रहा हूँ। पूरा स्लोप है, ऐसा लग रहा है कि सांप आने का चांसेस है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सो लगता है फाइनली पहुंच गया बुशी डैम, पहुंच गया फाइनली बुशी डैम। 10 मिनट वॉकिंग लगा, 10 मिनट वॉकिंग करने के बाद बुशी डैम पहुंच गया। यहाँ पे भी शॉप से देख सकते हो, पीछे भी है, ऊपर तक शॉप है। बुशी डैम के लिए ऊपर तक चढ़ के आया, वैसे ही चल के नीचे भी जाना है। तो 10 मिनट तो ऊपर आने के लिए लगा, 10 मिनट और जाने के लिए लगेगा। लेट्स गो। बहुत डेंजर है ये रास्ता, अगर आप आ रहे हो बुशी डैम तो ज़रा संभाल के आना, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है एकदम अजीब खड़बुड़ी टाइप है। तो अगर फैमिली के भी साथ आ रहे हो तो ज़रा संभाल के आना, और बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन लोगों को ज़रा संभालना। मैं तो ये मैसेज दूंगा
क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है, बुशी डैम का रास्ता बहुत खराब है, हर जगह पानी पानी है। ये देखिए बुशी डैम का रास्ता, यहाँ पे सिर्फ आने के लिए 10 मिनट लग गया, 10 से 15 मिनट, जाने के लिए 10 से 15 मिनट लग जाएगा। रास्ता देखिए आने से पहले सोचिए, और अगर कोई छोटा बच्चा है आपके साथ तो उसको ज़रा संभाल के लाना, यही बोलूँगा, क्योंकि पूरा रास्ता ख़राब है। अभी तो और आगे रास्ता ख़राब है, आगे पूरा पानी पानी है, कैसे जाऊंगा वो मुझे ही पता है। वो भाई ने बताया यहाँ से जाओ, सूखा रास्ता है, लेकिन आई प्रीफर दिस, यहाँ पे कैसे ही जा रहा हूँ मुझे ही पता है। संभाल के, यस, यहाँ से संभाल के, ये रास्ता थोड़ा सा खराब है, गिरने का चांसेस है, बट मैं नहीं गिरा, सो ऑलमोस्ट हो गया बुशी डैम कंप्लीट। सो अभी अपने नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। नेक्स्ट लोकेशन है लोनावला लेक, यहाँ ये जो बहुत ही पुराना लेक है, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे, आप देख सकते हो लेक है ये लोनावला में, इसलिए शायद इसका नाम लोनावला लेक है। हमारे साथ है विनोद जी। सो विनोद जी, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि लोनावला लेक के बारे में, क्या बता रहे थे? ये लोनावला लेक जो है ये टाटा कंपनी का है। हाँ, और खोपोली में टाटा कंपनी का पावर प्लांट है। अच्छा, तो पावर प्लांट के लिए ये इसका पानी छोड़ते हैं। अच्छा, बात जो ये खत्म हो गया तो फिर उनका दूसरा बड़ा डैम है गोल्डन डैम करके, वहाँ से पानी छोड़ते हैं। अच्छा, तो ये लोनावला लेक के बारे में थोड़ा और कुछ बताएंगे आप मुझे? ये तो अंग्रेजों के जमाने का है। हाँ, इसको कम से कम 150 साल के आसपास हुआ है। 150 साल हो गया इसको। हाँ। Hello everyone, तो फाइनली अभी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। मेरे को बहुत जोर से भूख लगी थी, गोल्डन बड़ा वो मैं कुछ खा लेता हूँ। शुक्रिया आपका, जो आपने लोनावला एक्सप्लोर करने में मेरी बहुत हेल्प की। और चलिए वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक है अल्लाह हाफिज़। चलेगा? ओके ओके, हाँ मैं कॉल करता हूँ। ओके ओके, भाई साहब आपका नाम क्या है? हेलो, हाय।